20 विकास खंडों पर चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के मतगणना के दूसरे दिन रात्रि 9 बजे तक 90% मतगणना के परिणाम सामने आ चुके हैं, जिसमें ग्राम पंचायत सदस्य के 16,372 सीटों पर हुए चुनाव में 8,900 सीटों के परिणाम आ चुके हैं, जबकि ग्राम प्रधान के 1,294 सीटों पर हुए चुनाव में 1,269 सीटों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। इसी के साथ क्षेत्र पंचायत सदस्य के 1700 सीटों पर हुए चुनाव में 1,630 सीटों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। इसके अलावा जिला पंचायत सदस्य के 68 सीटों पर हुए चुनाव के परिणाम भी आंशिक रूप से घोषित किए जा चुके हैं, जिसके संबंध में जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि 2 मई से शुरू हुए मतगणना कार्य में सोमवार के 9 बजे तक हुए मतगणना के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। शेष सीटों पर अभी भी मतगणना का कार्य जारी है, जो मंगलवार की सुबह तक पूरा होने की उम्मीद है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया, गोरखपुर में 2 मई को सुबह 8 बजे जो मतगणना आरंभ हुई है, उसमें आज 3 मई को रात्रि 9 बजे तक जो परिणाम घोषित हुए हैं, उसके अनुसार 1294 ग्राम प्रधान के सापेक्ष 1269 ग्राम प्रधानों के परिणाम घोषित हो चुके हैं। इसके अलावा 1700 BDC मेंबर्स के सापेक्ष 1530 BDC मेंबर्स के परिणाम और 16,372 ग्राम पंचायत सदस्य के सापेक्ष लगभग 10,000 ग्राम पंचायत सदस्य के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। जिला पंचायत वार्ड के सदस्यों के भी मतगणना अंतिम दौर पे है, इसकी आधिकारिक घोषणा रिजल्ट की आधिकारिक घोषणा जल्दी कर दी जाएगी। जो भी प्रतिनिधि जीते हैं उन सबों को ये ताकीद की गई है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार कि कोई भी विजय जुलूस नहीं निकालेंगे। और इसके अलावा मतगणना 16 ब्लॉक में अभी तक पूरी हो कर दी गई है, बाकी 4 ब्लॉक में जो मतगणना जारी है वो अगले कुछ घंटों में पूरी हो जाएगी और पूरे परिणाम अगले 2 घंटे में आने की संभावना है।